आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे कैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को इजीली मल्टीप्लाई करें, यानी उनका प्रोडक्ट्स बताएं, यानी गुणा करें। दो मैट्रिक्स होंगे, उनको कैसे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, वो कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को देखा। तो चलिए हम देखते हैं इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को और इसके पीछे क्या है कंसेप्ट, जिससे हम इजिली इनको सॉल्व कर लें। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी है। आप नेम ले सकते हो, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले चीज़ है कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं या कोई फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स या कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए नंबर है, इनका हम मल्टीप्लाई करना है। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स भी हो सकता था, कॉस एक्स भी हो सकता था, कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता था, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पहले जानना होगा रो होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये रो है, आप अगर ऐसे जाते हो तो ये रो कहलाता है, ठीक है। ये भी क्या आपका रो, तो इसमें कितने रो हो गए, दो रो। तो कभी भी मैट्रिक्स का जब रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर दो रो है, एक रो दो रो है, और कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, दो रो तीन कॉलम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका क्या है, एक रो दो रो तीन रो, यानी तीन रो दो कॉलम, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले जाननी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लिखते हैं दो रो तीन कॉलम, एक दो, तीन रो दो कॉलम, बातें क्लियर। रो क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल्स, ठीक है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का कुछ रूल भी है। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यह कहता है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो जाए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। देखो ये तीन तीन है तभी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इक्वल नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर आपको समझना है तो देखो यहाँ पर सिक्स सेवन एट नाइन, ये कितना मैट्रिक्स है, दो रो दो का, यानी दो रो हैं दो कॉलम है, ठीक है। अगर मैंने इसमें किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग किया, ठीक है, तो इसमें कितने रो हैं आपके, एक रो दो कॉलम, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, एक रो, ऐसे बस एक ही रो है, दो कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो इनके बीच में प्रोडक्ट्स आप निकाल नहीं सकते हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का यही शर्त है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर हो, नंबर ऑफ रो के बराबर हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका आता है ना, तो प्रोडक्ट कैसे आता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। तो देखो जो ये बचा है ना, ये दो बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, दो, तो बस आपका आंसर भी क्या होगा, दो रो दो कॉलम का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो रिजल्ट बचता है, यानी रिजल्ट जो आने वाला होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो कैसा होगा, तो जो ये बचा है ना, दो रो दो कॉलम, बस यही होगा फाइनल। आपने इसको मैच करा लिया तो इसको गोला लगा दो, गायब हो गया, बचा क्या है, ये बचा, यही आपका रिजल्ट होगा। अब एक चीज़ ये है कि ये पहला पोजिशन होगा, इसमें चार एलिमेंट होंगे, चार लोग होंगे, क्योंकि दो दुनी के चार, चार लोग, जैसे यहाँ पर कितने लगते हैं, दो तीन छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका देखो तीन दुनी छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी इनको हम मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कितने लोग अंदर हैं, ये भी आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पहला पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पहला रो पहला कॉलम है, कैसे, क्योंकि ये पहला रो वाला पोजीशन है, पहला कॉलम ही, ये पहला ही रो है, लेकिन ये पोजीशन कौन सा हो गया, सेकंड कॉलम, क्योंकि पहला कॉलम खत्म, दूसरा कॉलम स्टार्ट, सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड रो और पहला ही कॉलम है, ये वाला सेकंड रो है और सेकंड कॉलम। तो ये पोजीशन आपको ये आना बहुत जरूरी है कि पोजीशन है क्या, ठीक है। तो आप देखो ये पहला रो पहला कॉलम है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से इस पहले का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स में जाओ, तो पहले मैट्रिक्स का पूरा पहला रो ले लो, और पहला कॉलम बोला है तो दूसरे मैट्रिक्स से पहला पहला कॉलम ले लो, ये ले लो, और आपस में इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो। आपस में करने का मतलब सिक्स से टू में, एट में फाइव में, सेवन में सिक्स से, बस क्लियर सी बात है। तो हम देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपका, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, एट फाइव जा फोर्टी, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, क्लियर। मैंने क्या बोला, पहला रो, इस जगह का नाम क्या है, पहला रो पहला कॉलम, तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो और इसका पहला कॉलम ले लो, बस बात क्लियर। अब इस जगह का नाम क्या है, पहला रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या है आपका पहला रो और ये क्या है सेकंड कॉलम, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है पोजीशन वाइज, ये पहला रो ये सेकंड कॉलम, क्योंकि ये पोजीशन वही है, पहला रो वाला और सेकंड कॉलम वाला। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सात दूनी चौदह, नौ पच्चे पैंतालीस, छः पच्चे तीस, बातें क्लियर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बस कॉरेस्पॉन्डिंग सात दूनी चौदह, नौ पच्चे पैंतालीस, पाँच छः के तीस,
यानी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सही करना है, उसमें कोई डाटा आपको इधर उधर नहीं करना है, बस आपको ये जगह जानना है कि इस जगह का पता क्या है, लोकेशन क्या है इस जगह की। तो ये पहला रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से पहला रो लेना है और यहाँ से सेकंड कॉलम, कॉलम इसी में से लेना है, रो इसमें से लेना है, आपको याद रखना है। अब इसका नाम क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो रो इसी में से लेना है, सेकेंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा, आप इनमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 8 6 48, 8 7 56, हो गया कि नहीं। सेकेंड रो यहीं से रो लेना है आपको और यहाँ से कॉलम लेना है, और इसका नाम क्या है, इसका पता हमें मालूम करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये रहा, सेकेंड कॉलम ये रहा, तो बस 7 5 35, 9 6 54 प्लस 8 5 40, बस अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया, दो रो दो कॉलम का रिजल्ट बन के तैयार हो गया। ये 94, 89, 129, देखिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपका ये रिजल्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको फाइनली जोड़ोगे तो ये आएगी डाटा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, बस आपको ये जानना है कि जो हमारा मल्टीप्लाई कब होता है, पहला चीज़ ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर हो जाए, उसके बाद जो बचता है ये बचने वाला ही आपका आंसर देता है, तो दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद आपको लोकेशन मालूम हो जाए कैसे किसका नाम है, तो ये पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम वाला है, क्योंकि आप जानते हो ये पहला रो है और ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब इसका पोजीशन आपको मालूम है कि ये पहला रो लेना है हमें, क्योंकि लिखा है ना पहला रो, तो पहला रो पूरा उठा लो, पहला कॉलम ये पूरा उठा लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग, आपस में करने का मतलब 6 से 2 में, 8 से 5 में, 7 में 6 से, बस पोजीशन बाई पोजीशन, ये पहला है तो इससे इससे, ठीक है, पोजीशन इसी तरह बाकी सभी को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आप करना चाहते हो तो एक मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो इस बेस पे। आपके लिए क्वेश्चन, आप इसे ट्राई करो एक बार और देखो इस कंसेप्ट से आप इजीली इसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। जैसा कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो देखिए इसमें है क्या, आपका ये दो रो है और दो कॉलम है, और इसमें क्या है आपका दो रो है एक कॉलम है, क्योंकि एक रो दो रो, रो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो से मैच कर गया, यानी मल्टीप्लाई होना ही है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप देख रहे हो रिजल्ट आपका बनेगा जो बचा हुआ है, यानी दो रो एक कॉलम, तो दो रो का मतलब ऐसे, एक कॉलम का मतलब एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट यहाँ पर होगा, तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बातें क्लियर, क्योंकि दो रो एक रो दो रो फर्स्ट कॉलम, यानी देखो ये कॉलम एक ही रहेगा ना, देखो कॉलम एक ही कॉलम रहेगा ऐसे, बस इससे हमें इन चीज़ों को पता करना है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये पहला रो पहला कॉलम बोल रहा है, तो पहला रो ये होगा पहला कॉलम ये होगा, तो 2 6 12 7 6 42, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 7 6 42 पहला आया, फिर ये दूसरा रो, रो यहाँ से उठाना है, कॉलम यहाँ से उठाना है, दूसरा रो यानी ये दूसरा कॉलम ये हो गया, 2 4 8 6 48। ठीक है, तो फाइनली आप इनको सॉल्व कर दोगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है ना, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें से आप देख रहे हो कि हमें सब रो ही उठा रहे हैं और इसे क्या ले रहे हैं, हम कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना, बस आपको ये जगह पता होना चाहिए कौन सा लोकेशन है, पहला रो पहला कॉलम, तो सीधे पहला रो उठाओ, पहले कॉलम के नंबर में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 7 6 42 पोजिशन वाइज। ठीक है, इससे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं करना है, फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।